लेटेस्ट जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नव प्रभा के सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए ये बेल आइकन दबाइए। आखिर ऐसी कौन सी शर्त थी जो तापसी ने अनुराग कश्यप के सामने रखी जब उन्हें मनमर्जिया के लिए अप्रोच किया गया था? आइए दोस्तों जानते हैं। तापसी पन्नू अपनी साफ गोही के लिए जानी जाती है। वो इंडस्ट्री की ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने लीक से हटकर फिल्में की हैं और उनकी सभी फिल्मों को दर्शकों ने पसंद किया है। तापसी पन्नू अपने हर किरदार को नेचुरली जीने की कोशिश करती है और शायद इसी वजह से लोग उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। यही वजह है कि जब अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म मनमर्जिया के लिए तापसी को अप्रोच किया तो उन्होंने उनके सामने एक अजीब सी शर्त रख दी। तापसी ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है। अनुराग कश्यप इंडस्ट्री के एक दिग्गज डायरेक्टर हैं और उनकी फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर तो पहले ही उनके करियर का एक बड़ा माइलस्टोन बन गई है। इस कल फिल्म में दर्शकों ने मनोरंजन के लिए एक्शन से लेकर भरपूर ड्रामा, बदले की कहानी, बेहतरीन संगीत समेत सब कुछ था, साथ ही भरपूर गालियां भी। ऐसे में जब अनुराग कश्यप की फिल्म के लिए तापसी को अप्रोच किया गया था तो उन्होंने बताया कि उन्होंने डायरेक्टर को साफ कह दिया था कि वो उनसे गालियां ना बुलवाए, क्योंकि ये एक काम है जो उन्हें नहीं आता और वो स्क्रीन पर इसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगी। तापसी की इस शर्त को सुन डायरेक्टर हैरान जरूर हुए होंगे, लेकिन ये बात मान ली गई। तापसी से पूछा गया था कि क्या उन्हें लगता है अब जमाना बदल रहा है और दर्शक स्क्रीन पर एक्ट्रेसेस को गालियां देते हुए स्वीकार करने लगे हैं, तो उन्होंने कहा, हाँ ऐसा है, वीरे दी वेडिंग की सक्सेस ये कहती है, चाहे फिल्म के बारे में लोग कुछ भी कहे लेकिन बॉक्स ऑफिस नंबर ये बात जरूर साबित करते हैं। मैं हिंदी में गालियां नहीं दे सकती, हाँ अंग्रेजी में दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं दिल्ली के सरदार परिवार से हूँ इसलिए मैं हिंदी में गालियां नहीं दे सकती। इसलिए मैंने अनुराग से कहा था कि मुझे फिल्म में गालियां ना बुलवाए, क्योंकि ये मुझसे नेचुरली नहीं हो पाएगा। हालांकि मेरा बिहेवियर एग्रेसिव है, फिर भी आपको हैरानी होगी कि मैंने पूरी फिल्म में गालियां नहीं दी है। ये सिर्फ बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह से मैं बात करती हूँ उससे ऐसा लगता है कि मैं एग्रेसिव दिखती हूँ। इसके आगे उन्होंने कहा, पिछले कुछ सालों में महिलाओं ने इंडस्ट्री में अच्छा मुकाम हासिल किया है, उनका रवैया बदला है और पुरुष धीरे धीरे इसे स्वीकार कर रहे हैं। जब भी मेट में करीना के किरदार गीत ने भी कुछ ऐसा ही किया था, मेरा किरदार गीत से एक कदम आगे है, जो उसे ठीक लगेगा रूमी वो बोलेगी। यानी कि फिल्म में तापसी बिंदास और दबंग तो दिखने वाली है, लेकिन वो आपको फिल्म में गालियां देती नहीं दिखेंगी। ये बात तापसी के लिए तो नहीं लेकिन अनुराग की फिल्मों के लिए जरूर रही है। दोस्तों मनमर्जिया की रिलीज आज हो चुकी है और अगर आपने मूवी देख ली है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मूवी कैसी लगी और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।